अपनी ताकत के साथ में जुटे हुए हैं। अभी हमारे साथ में मौजूद है उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक जी कटारा से। हम इनसे जानेंगे कि यह टिकट मिलने के बाद जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या इनकी प्राथमिकता है, किस तरह का समर्थन इन्हें मिल रहा है। जी विवेक जी, किस तरह का समर्थन टिकट मिलने के बाद में अब आपको मिल रहा है? निश्चित तौर से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी का है, वो पिछले 5 साल से जिस तरह से क्षेत्र में लगा रहा मेरे साथ में, तो उनको पूरी उम्मीद थी और वो पूरी कामना भी कर रहे थे कि मुझे टिकट मिले। और जिस तरह से टिकट थोड़ा सा लेट हुआ तो लोगों में बहुत उत्साह भी था जब टिकट मिलने के बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो है बहुत कार्यकर्ता जोश में है, उत्साह में है और पूरी कार्यकर्ता ने कमर कसी है कि इस बार चुनाव को चुनाव के बहुत तरीके से लड़के क्षेत्र में जाना है। सरकार की योजनाओं को लेके हमने जो क्षेत्र में काम किए सक्रिय होकर, वो लेके क्षेत्र में जाना और मजबूती से चुनाव लड़ना है। कितना जन समर्थन अभी आपको मिला है? आप इन दिनों प्रचार प्रसार के लिए आप दौड़ रहे हैं, लोगों की बहुत अच्छी भावना है, लोगों में उत्साह भी बहुत है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, अन्य पार्टी के लोग भी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। गहलोत सरकार की योजना को सराहा है लोगों ने और जिस तरह से लोगों को लाभ हुआ है, तो मुझे वो गहलोत साहब के नाम और हाथ के निशान और मेरी जो पहचान है, परिवार की पहचान है, कटारा साहब, मैडम सज्जन जी कटारा, और मैंने जो सक्रिय रह के 5 साल क्षेत्र में मैं रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लोगों का उत्साह है और पूरा अच्छा सहयोग मुझे मिल रहा है। किस तरह की समस्याएं आप अभी फील्ड में घूम रहे हैं जो जनता ने बताई कि भारतीय जनता पार्टी के जो MLA हैं उन्होंने नहीं किए, या फिर और भी कोई समस्या बताई है जो अभी तक पूरी नहीं हुई? हाँ, समस्या देखिए, मैं एक तो आवासीय पट्टों की जो समस्या है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, हमारा बहुत ज्वलंत इशू है इस इलाके में। जिस तरह से आज बहुत लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने प्रयासों से अभी हज़ारों लोगों को शहर में भी और गांव के लोगों को UIT से, जैसे हमारी पंचायतें हो गई बलीचा, आपकी एकलिंगपुरा, अतितड़ी या देवारी, बड़गांव या बहुत सारी जो क्षेत्र हैं, UIT से निकाल के पंचायतों को हस्तांतरित किए और बहुत लोगों को पट्टे हुए। उसी तरह से नगर निगम के माध्यम से शहरी क्षेत्र में बहुत लोगों को आवासीय पट्टे दिए गए। ये समस्या बहुत ज्वलंत है। इसके अलावा मैं अभी कुछ दिनों से जो क्षेत्र में घूमा हूँ, तो महिलाओं की एक जो समस्या है कि कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो छोटा लोन दे के और बहुत हैवी इंटरेस्ट पे उन्होंने महिलाओं को लोन दिया, और जब महिला असक्षम हुई वो लोन चुकाने में, तो जेंट्स उनके घर पर जाते हैं और जिस तरह से वसूली करते हैं, और जो संबंधित व्यक्ति हो उसके साथ उसके पूरे परिवार को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो वो एक बड़ा इशू मेरे अभी महिलाओं के सामने आया, और मैं महिलाओं को ये पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि विधायक बनने के बाद मैं सबसे पहले मतलब ये उठाऊंगा कि ये जो प्राइवेट जो कंपनी जो लोन देती है, इस पर सरकार कोई RBI की गाइडलाइंस को देखते हुए ऐसे कोई नियम बनाए जिसकी वजह से हमारे जो ये महिला हैं गांव की, और खासकर जो गरीब महिलाएँ, उनको लाभ मिले और उनको इस ये जो जिस तरह से वो प्रताड़ित हो रही है और जूझ रही है, उनसे उनको लाभ मिले और सहायता मिले। आज आपके कार्यालय उद्घाटन के बाद में काफ़ी संख्या में पुराने कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी दिखी जो पिछली बार चुनाव में नहीं थे, इस बार है, तो कितनी उम्मीद जगी है? निश्चित तौर से आपने देखा हमारे पार्टी के जिले के सभी बड़े नेता, मैडम गिरजा व्यास जी, लाल सिंह जी, झाला जी, हमारे सुवालका जी पूर्व अध्यक्ष हैं जिले के, कचूलाल जी चौधरी, जगदीश राज सिमाली जी, और सभी हमारे जो विधानसभा के सभी ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे अग्रिम संगठन, हमारे सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति, सभी युवा, महिला, सभी कार्यकर्ता, पुराने नए सब हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इन 10 सालों में संगठन की दृष्टि से भी और कहीं उनके सम्मान में भी कमी आई है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए इस बार हमारे कार्यकर्ता ने पूरा सोचा है, पूरा मन बनाया है कि हमारी ये जो सीट है, इस ये जो विरासत की मैं जो मुझे मेरी हमारे परिवार को मिली, उसको फिर से रीगेन करना है और इस सीट को किसी भी हालत में जीतना है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार कार्यकर्ता बहुत सक्रिय है, उत्साह है, और 100% मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस बार ये सीट हम अच्छे मतों से निकालेंगे। तो ये थे हमारे साथ में विवेक जी कटारा, जिन्हें पूरी उम्मीद है कि यह वह सीट अच्छे मतों से विजय होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का ये भरपूर प्रयास कर रहे हैं, आम जनता तक इन योजनाओं को इन्होंने पहुंचाया है। उसी उम्मीद के साथ में विवेक जी कटारा अब दमखम के साथ चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ कुलदीप सिंह, पल पल राजस्थान।